तो बहरहाल बुमराह ही इज अमेजिंग बॉलर, ही इज अ वर्ल्ड क्लास बॉलर। तो रेत की दीवार बांग्लादेश की बैटिंग ये इंडिया के सामने रेत की दीवार साबित हुई है, और बिल्कुल ऐसा ही है। इसी पहले सेशन में सारी बाकी की जो 8 विकेटें वो हासिल कर ली हैं। जडेजा वाज अमेजिंग, एक शोज द स्ट्रेंथ ऑफ टीम इंडिया, देयर बॉलिंग देयर बैटिंग ऑल डिपार्टमेंट ऑफ द गेम में जाके उन्होंने जिस तरीके से डोमिनेट किया हुआ है, और कल के जिस तरीके से बैटिंग की है ना इंडिया ने, अब उसमें से ये निकल नहीं सकेगा बांग्लादेश। जिस तरीके से इंडिया ने 35 ओवरों में 285 इतना तेज खेलते हुए सारे जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं वो अपने नाम किए, और अब उसके प्रेशर में ये बांग्लादेश की जो टीम है ना ये सस्टेन नहीं कर पाएगी। लेकिन लुक एट द बॉलर्स, बुमराह वर्ल्ड नंबर वन बॉलर, अश्विन और जडेजा दुनिया की सबसे बेहतरीन जोड़ी, तो उनके सामने वैसे ही आप नहीं टिक पाते। और जब आपको पता हो कि आप बिल्कुल दीवार के साथ इंडिया की बैटिंग ने आपको लगा दिया, तो फिर तो कोई चांस था भी नहीं, कोई चांस था भी नहीं, और यहाँ पे बिल्कुल भी कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है कल। तो अब इतना इमेंस प्रेशर डाल दिया है, इतना इमेंस प्रेशर बांग्लादेश पे कि उनके होशो हवास उड़ गए, उनके होशो हवास उड़ा दिए हैं इस तरह की बैटिंग के, और अब इस प्रेशर में से निकलेगी नहीं है बांग्लादेश। और अब ये इंडिया का मैच है और इंडिया ही इसको बिल्कुल जबड़े में हाथ डाल के निकालना मैच को, इसको कहते हैं। टेक्निकली तो आप देखें ना, 2 दिन के अंदर खत्म हो गया, क्योंकि पहले दिन का एक सेशन का खेल हुआ था, फिर बारिश, फिर दूसरा दिन भी बारिश की नजर, तीसरा दिन भी बारिश की नजर, कल एक दिन मैच हुआ। तो टेक्निकली एक दिन के पूरे मैच, एक दिन का जो खेल हुआ है उसी के अंदर इंडिया ने स्टंप डाल दिया, अपनी अथॉरिटी स्टंप की, और इस मैच पर भी स्टंप लगा दी, हाँ जी दिस इज ओवर मैच। तो 15 सेशन में से सिर्फ 6 सेशन चाहिए थे इंडिया को कि बांग्लादेश को 2 बार आउट भी करे और फिर मैच भी बिल्कुल जीतने के बिल्कुल करीब आ जाए। कोई कंपैरिजन है, कोई मुकाबला है किसी भी हवाले का, बॉलिंग का, बैटिंग का, स्पिन बॉलिंग का आ रहा हो इस बांग्लादेश की टीम का और इस इंडिया की टीम का? एक भी कोई खेल का ऐसा सेगमेंट नहीं है कि जिसमें कोई मुकाबला नजर आ रहा हो। हर डिपार्टमेंट ऑफ खेल में बहुत ही आगे हैं, गैप भी बहुत ही ज्यादा, जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है। इतने बुरे तरीके से इतना वन साइडेड मैच करके, और इसको आप कहें कि स्टैंपिंग अथॉरिटी, तो चलो वो तो फिर भी थोड़ा रिस्पेक्टेबल सी बात होती है कि अपनी अथॉरिटी स्टैंप की है। ये तो कुछ ऐसा है कि जैसे कि किसी की इंसल्ट करना, बेइज्जती करना कि हाँ जी यार तुम लोग तो, आमिर तो लगा था कि वाकई कुछ अच्छी टीम बन गई, तुम तो उस पहले से भी गए गुजरे हो, तुम तो बिल्कुल ही फारग हो, तुम्हारा तो कोई हिसाब किताब ही कोई नहीं है कि जो हमारी टीम इनसे इनसे वाइट वॉश हो गई इनसे। तो बांग्लादेश की टीम का जो लेवल है वो तो उधर ही जहाँ पे खड़ा हुआ था, जैसे वो पहले थी वैसे अभी है। उसका मतलब है पाकिस्तानी और बुरी हो गई है, और भी घटिया हो गई है, और भी बेकार टीम हो गई है, वरना तो आपके सामने है सारी सूरतें आपके सामने। ये बांग्लादेश जो यहाँ पे बिल्कुल उसका बुरा हाल हुआ है, एब्सोल्युटली क्लूलेस। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मुकाबला नहीं है, ये इंडिया वर्सेस टाइम का मुकाबला है। इंडिया ने टाइम को डिफीट कर दिया, एक ऐसे टेस्ट मैच में विक्ट्री हासिल करने का जिसको डे 3 के इख्तिताम पे कहा जा रहा था, तो डलनेस का शिकार हो चुका है, क्योंकि 2.5 दिन जाया हो चुके हैं। इस टेस्ट मैच में कैसे रिजल्ट पॉसिबल होगा, लेकिन रोहित शर्मा ने अपनी रिलेंटलेस और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और कप्तानी के थ्रू ये पॉसिबल करके दिखा दिया कि भाई साहब इस तरह टेस्ट मैच 2.5 दिन छोड़िए, 2.5 दिन जाया होने के बाद अगर 2 दिन आपके पास बचे तो हम 1.5 दिन में भी जीत सकते हैं। रिमेनिंग 8 विकेटें लेनी थी, एक सेशन में 8 विकेटें लेके इंडिया ने अपने आप को पॉइस कर दिया फॉर दैट मैजिकल विक्ट्री, जो कि शायद डे 3 के इख्तिताम पे किसी ने सोची ना थी। कप्तान रोहित शर्मा जिसके पास डेडलीस्ट बॉलिंग पेयर है अश्विन और जडेजा की शक्ल में, फिर जसप्रीत बुमराह जैसा एक स्किलफुल बॉलर है, इंडिया इज वीविंग अ मैजिकल हिस्ट्री विन एट कानपुर। ये जो बॉलिंग अटैक है भाई साहब, दिस विल स्नीक इन, दिस विल मेक योर लाइफ हेल। इंडिया हैज एब्सोल्युटली रेक्ड हैवॉक ऑन बांग्लादेश। पहले सेशन के अंदर जो कहा था वो ये लोग करके दिखाते हैं, क्योंकि इन्होंने जीतना होता है ना। और यार बुमराह बॉल को पकड़ते हैं, सामने वालों के हाथों कांपने लग जाते हैं। देखा है, नोट किया है, इस मेहदी हसन मिराज जो बुमराह के हाथों आउट हुआ उसके खिलाफ, जिसे कहते ना वो मेहदी हसन मिराज पाकिस्तान को कैसे मार रहा था, उसने हर इनिंग में 50 स्कोर किया क्योंकि उसको डर नहीं था। लेकिन जैसे ही बुमराह आया उसको डर लग गया, तो उसके पांव कांप रहे थे। बुमराह किसी के पल्ले पड़ता ही नहीं है। बुमराह अगर स्लो वन भी ऐसे फेंक देगा ना, उसका खौफ ही इतना होता है सामने वाले के ऊपर कि उसके डर के मारे उसको हिट कर ही नहीं पाता वो, और आउट हो जाता होता है। ये है बुमराह रियर, जो कहते ना टेरर, किसी बॉलर का टेरर होना वो होता है, जिसको कहते ना बुमराह का दिखाया उसने। 3 विकेटें लेके गया बुमराह। ये प्रेशर था जो इंडियन बॉलर का खौफ था, जिसने आज बांग्लादेश को मरवाया। शाकिब को तो क्रिकेट खेलना ही भूल गई है, ये सीधा कैच दे रहा है। ये टेरर है, इंडिया का टेरर आया हुआ इनके ऊपर, साफ दिख रहा था इनके बॉलर्स का। उनको पता था कि हम नहीं जीत सकते, हम नहीं सर्वाइव कर सकते, वो आउट हो ही जा रहे थे, और वो हमें शो करवा रहे हैं। वो जो उन्होंने एड बनाया था ना इनके ब्रॉडकास्टर ने कि बदला लेना, हमारा बदला लेना, इंडिया इंडिया करेंगे हम, इंडिया इंडिया करेंगे, याद आया वो एड जिसको कहते हैं ना हमारी एक तरह से तोहीन थी, लेकिन उन्होंने पूरा का पूरा बदला हमारा ले लिया। ये होती है क्रिकेट, इसको कहते हैं क्रिकेट। ये जो क्रिकेट, ये जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं, इसको आप लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। ये अनडिस्क्राइबेबल ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं कि आप इसको क्या नाम दोगे। ये बेसबॉल भी नहीं है। रोहित शर्मा जिस तरीके से, विराट कोहली ने इंडिया को टेस्ट के अंदर पहचान दिलवाई, रोहित शर्मा उस लेगेसी को लेके चल रहा है, और रोहित शर्मा अन करीब इनको ट्रॉफी भी जितवा देगा, क्योंकि रोहित को पता है ट्रॉफी कैसे जीतनी है। ये टीम अब रुकने नहीं वाली है, न्यूजीलैंड का भी बुरा बुरा हाल करने वाली है, क्योंकि न्यूजीलैंड को ये छोड़ेंगे नहीं। इस टेस्ट मैच को जो उन्होंने बचाया है ना, मैं आपको लफ्जों में नहीं बयान कर सकता। ये टेस्ट मैच मेरी नजर के अंदर क्या सबकी नजर के अंदर खत्म हो चुका हुआ था। इस टेस्ट मैच को जीतना, इन्होंने अपनी WTC के फाइनल के टिकट को कंफर्म किया है। उन्होंने जिस तरीके से इस मैच को अपनी तरफ लेकर आए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया कर सकता था, ये कोई और नहीं कर सकता था। ये बोलने पर मजबूर है, हमें बोलना पड़ेगा, ये सिर्फ और सिर्फ भारत की टीम
टीम ही कर सकती थी और कोई टीम नहीं कर सकती थी जो इन्होंने इस मैच को चेंज करके रख दिया है। कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता, ये लोग वो काम करते होते हैं। और हमारा शान मसूद कप्तान कहता है कि मुझे एक हफ्ता जिसको कहते हैं ना सुकून नहीं मिला बांग्लादेश से हारने के बाद। और भाई तुम सुकून, तुम्हें अगर इतनी टेंशन होती तो तुम रिजल्ट की तरफ जाते ना, रिजल्ट ओरिएंटेड जिसको कहते हैं ना क्रिकेट खेलते। अगर नहीं होती तो जाके रोहित शर्मा की इंटर्नशिप कर लो जाके, वो आपको कप्तानी सिखा। इस वक्त क्रिकेट का मजा सिर्फ भारत ले रहे हैं, बाकी सिर्फ खेल रहे हैं। आप उनकी बॉलिंग उठा के देखिए, उनकी बैटिंग उठा के देखिए, अब तो फील्डिंग भी उनके ऐसे है कि लोग मिसाल देने लगे हैं कि भाई इनके तो बॉलर्स भी अच्छे कैचेस पकड़ते हैं। और ये T20 वनडे टेस्ट हर फॉर्मेट के अंदर दुनिया के हर टीम के खिलाफ दुनिया के हर कोने में जाकर ये टीम इंडिया प्रूव कर रही है। सब कहते थे कि ये घर में बहुत अच्छा खेलते हैं, मगर अब तो ये हुआ कि ये घर के बाहर भी अच्छा खेलने लगे। और घर के अंदर कैसा खेलना है ये सबको भारत से सीखना होगा, और शायद हमें तो बहुत ज़्यादा सीखना होगा क्योंकि हम लगातार अपने घर के अंदर हार रहे हैं। 2 बरस हो चुके हैं हम जीते ही नहीं हैं, 2 बरस हो चुके हैं, और भारत को बरसों हो गए अपने घर में कभी हारे हुए को। और अब खेल किन से रहे हैं, उस टीम के खिलाफ जो आपको कदमे शायद छोटी नजर आती है, मगर उसके बारे में ये कहा जाता है कि स्पिनर्स बहुत अच्छा खेलती है। ज्यादा जब चौथा दिन खत्म हुआ कानपुर का, मैंने बोला था कि स्पिनर्स की हुक्मरानी रही चौथे दिन में, 18 विकेट गिरी जिसमें से 12 स्पिनर्स ने ली थी। और साफ है कि पांचवा दिन स्पिनर्स का होगा, और भारत के स्पिनर्स दुनिया के बेस्ट स्पिनर हैं और बांग्लादेश इनके सामने टिक नहीं पाएगा। मगर मुझे भी इतने वसूख से नहीं पता था कि बांग्लादेशी बैटर्स इतनी जल्दी उनके सामने गिरेंगे, अंदाजा नहीं था मुझे था कि कम से कम यू नो कि थोड़ा सा टी सेशन तक तो लेके जाएंगे, मगर ये तो 2-3 घंटों के अंदर कहानी सारी साफ करके रख दी भारतीय बॉलर्स ने। और एक तो बात तय है, पिच बॉलिंग हो, पिच स्पिन की हो, पिच फास्ट बॉलर की हो, ये 2-4 विकेटें तो बुमराह के खाते में होती हैं जेब में, बाकी गिल्लो आपस में किसने कितनी विकेट लेनी है। अब उनकी इकॉनमी उठाएं, 1.33 की इकॉनमी है एक स्पिन ट्रैक के ऊपर, एशियन ट्रैक के ऊपर 1.33 के। और बाकी भी आप उठा के देखें, ऐसा बॉलर है रन भी नहीं देता। हारिस ने पूछा था कि आपने विकेट्स लिए मगर आप रन बहुत खाते हैं, उन्होंने बोला जब विकेट लेनी होती तो रन खाने होते हैं। ये फार्मूला गलत साबित किया है बुमराह ने, उन्होंने बोला कि जब आपने विकेट लेनी होती है तो डराना होता है, दूसरे के बल्ले को बंद रखना होता है, सौदा थोड़ी करना है कि रन लो विकेट दो, ऐसा थोड़ी करना है, आपने अच्छी बॉलिंग करके विकेट लेनी है। और वो बुमराह करके दिखाए हैं, आप अंदाजा कीजिए। और आप अश्विन की बॉलिंग देखें, चेन्नई के अंदर उन्होंने अपने बल्लेबाजी से जिताया, यहाँ पर उन्होंने अपने बॉलिंग से जिताया। एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना हुआ है इंडिया का, ऐसा कॉम्बिनेशन बना है, आप उनके 11 उठा के देखें, आपको सारे के सारे उसमें हीरे नजर आएंगे। एकदम दोस्तों यार परफॉर्मेंस मतलब कि यार 2 दिन में भारत ने टेस्ट मैच खत्म कर दिया, 2 दिन में ही नहीं, आज आधा दिन ही हुआ और भारत ने टेस्ट मैच खत्म कर दिया। 1.5 दिन में दोस्तों भारत ने टेस्ट मैच जीत लिया, यकीन करेंगे आप? क्यों? क्योंकि हमारी अप्रोच इस तरीके की, हमें जीतने के लिए हमारी टीम खेलती है, ना कि पाकिस्तान की टीम की तरह डिफेंसिव और ड्रॉ करने की तरह से खेलते। हम पूरी तरह से जीतने के लिए खेलते, हमारा जज्बा होता है, हमारा कप्तान अच्छा होता है, तो हमारी टीम वैसे परफॉर्मेंस करके दिखाती है। जैसे परफॉर्मेंस हमारी टीम ने करी यार, मतलब कि कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि इंडिया इस तरीके की भी क्रिकेट खेल सकता है, वो भी टेस्ट क्रिकेट में। क्योंकि कल जो भारत ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े, मतलब क्या तकरीबन 5 से 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया कल, इतना तेज भारत ने खेला ना यार, मतलब कि सच में वही से पूरा मोमेंटम शिफ्ट हुआ। और उसके बाद तो बांग्लादेश की तो यार मतलब की किस्मत ही खराब है। जो पहले शांटो बोल रहा था कि हम 2-0 से इंडिया को हराएंगे, लेकिन इंडिया ने उल्टा ही उनको 2-0 से बांग्लादेश को हमने व्हाइट वॉश कर दिया। जय हिंद दोस्तों, भारत ने दोस्तों दूसरा टेस्ट मैच जीत लिया और क्या ही शानदार किस्म के हमें भारत की तरफ से जीत देखने को मिली। मतलब क्या हमारी टीम एक तरीके से देखे तो जीतने के लिए खेली, ना कोई पाकिस्तान की टीम की तरह से ड्रॉ करने के लिए खेली, ना तो बचने के लिए खेली, ना तो डिफेंसिव खेली। हमारी टीम की सोच यही रहती है कि हम कैसे भी करके टेस्ट मैच में जीते। तो दूसरा टेस्ट मैच दोस्तों भारत ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हरा दिया, जो मतलब क्या जो बैटिंग की यशस्वी जायसवाल ने। इस दूसरे टेस्ट मैच में विराट कोहली ने भी अपनी झलकियां दिखाई, उसके बाद केएल राहुल भी वापस आ चुके हैं ऐसा लग रहा है फॉर्म में। रोहित शर्मा का ये पूरी सीरीज मतलब कि रोहित शर्मा के लिए अच्छी नहीं गई, लेकिन हमारे बाकी सभी बैटरों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। बॉलरों की तो बात ही मत पूछे, क्योंकि बॉलिंग की बदौलत ही हमने इस सीरीज को जीता है। बॉलिंग में तो यार कभी बुमराह नहीं चलता, बुमराह तो चलता ही है हर बार। बुमराह को कैसी भी कंडीशन दे दो, कैसी भी सिचुएशन दे दो, जसप्रीत बुमराह हर बार डिलीवर करके देता है। और दूसरी बात ये कि रविचंद्रन अश्विन अन्ना और जाडेजा दोनों ने दोस्तों पहले टेस्ट मैच से भारत को मोमेंटम दिया और उसी मोमेंटम को भारत ने कैरी किया और इस दूसरे टेस्ट मैच को भी जीत लिया। मतलब कि यार पूरे 5 दिन का दूसरा टेस्ट मैच था, जिसमें 2 दिन तो लगातार बारिश आई और पहले दिन भी 1 सेशन का ही खेल हुआ था, 2 सेशन में भी बारिश आई हुई थी। तो भारत ने दिखा दिया कि टेस्ट मैच में जीतते कैसे है, क्योंकि चौथे दिन ही सारा मतलब कि बोले तो भारत ने पूरा खेल पलट दिया। चौथे दिन जिस तरीके की बैटिंग हमें देखने को मिली यार, मतलब कि 34 ओवर में 285 रन यार, वो भी T20 स्टाइल में, ODI में भी इतने रन नहीं बनते जितने टेस्ट में हमारी टीम ने बना दिए। और उसके बाद तो बांग्लादेश की टीम को आज सवेरे पहले सेशन में बांग्लादेश की टीम दोस्तों सुबह सुबह अच्छा खेल रही थी, लेकिन जब ड्रिंक्स ब्रेक पड़ा
उसके बाद दोस्तों बांग्लादेश की लगातार 7 विकेटें चली गई और पूरी तरीके से बांग्लादेश की टीम ऑल आउट हो गई, क्योंकि कल तो 2 विकेटें चली गई थी। ड्रिंक्स ब्रेक के बाद पता नहीं बांग्लादेश की टीम के बैटरों को क्या हुआ, एक के बाद एक चलते गए और क्या ही रविंद्र जडेजा ने बॉलिंग की, मतलब कि यार सांटो जो बांग्लादेश का कप्तान है, लिटन दास, साकिब अल हल हसन, तीन जो कि दोस्तों उनको पिलर माना जाता है बांग्लादेश की टीम का, उन तीनों को दोस्तों रविंद्र जडेजा ने आउट किया। कल अश्विन ने 2 विकेट ली, जसप्रीत बुमराह ने दोस्तों 3 विकेट ली, जिसमें लास्ट बॉल पे मुश्फिकुर रहीम का जसप्रीत बुमराह ने विकेट लिया और वहां से पूरी बांग्लादेश की टीम ऑल आउट हो गई और भारत को बस 95 रन चाहिए थे जीतने के लिए, जिसमें हमारी 2 विकेट चली गई, रोहित शर्मा चले गए अर्ली ऑन, उसके बाद शुभमन गिल भी चले गए, लेकिन यशस्वी जायसवाल भी लास्ट में चला गया लेकिन उसने 50 लगा दी, और विराट कोहली और ऋषभ पंत ने एंड में चौका लगाकर हमारी टीम को जीत दिला दी। तो भारत की दोस्तों इस शानदार और खतरनाक जीत पर आप लोगों का क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।